आंदोलन को लेकर है और हर व्यक्ति तक पूछना, उनकी पीड़ा जानना, उनके ज्ञापन हमें जो वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री तक भेजूंगा। इसके अलावा जो महापड़ाव डाला जाएगा उसमें प्रमुखता से उन मांगों को रखा जाएगा। अब दोस्तों, एक सबसे बड़ा आज का जो हमने प्रोटेस्ट भी किया था, एक सवाल था, मैं तमाम इश्यू पर चर्चा करूंगा, लेकिन जो बीएल जाटव जी को बर्खास्त करने का हमने मांग की है, पहले भी मैं मीडिया में मांग उठाई, फिर आज हमने प्रदर्शन करके एक छोटा सा ट्रेलर दिया है। यदि इनको नहीं उठाया तो हम दिल्ली तक इसकी आवाज जाएगी और अधीनस्थ बोर्ड के बाहर भी घेराव करेंगे और आंदोलन करेंगे, बीएल जाटव को तुरंत हटाया जाए। हटाने का कारण क्या है आप जान लीजिए। इनके आने के बाद सुर्खियों में अधीनस्थ बोर्ड है। जब लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ 2019 में लीक हुआ, वो संदीप नेहरा आज तक नहीं पकड़ा गया। उनकी कोचिंगें अब दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, अब 18 से कोचिंग खुल रही, उनकी कोचिंगों को सील नहीं किया गया और आज तक पता नहीं चला कि लाइब्रेरियन का पेपर कहां से आउट हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था, थाने से हुआ था, बोर्ड कौन लिप था, इसमें कौन कौन दोषी थे, आज तक स्पष्टता नहीं हुई, ना तक पता नहीं चला। आज तक ये सवाल हर बेरोजगार के मन में है कि आखिरकार हमें न्याय कब मिलेगा। हमने प्रदर्शन भी किया था लेकिन बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा आरोप मेरा, पहला आरोप यह था, दूसरा आरोप जो इनका इस्तीफा मांगने का क्या कारण है, पहला कारण मैंने बताया, दूसरा कारण जब वो ओमर सीट प्रकरण सामने आया था, लाइव जो कृषि परीक्षा महिला सुपरवाइजर और प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो एसटीएफ की टीम ने पकड़ी थी कि जिन्होंने ओमर सीट डायरेक्ट भरना था मिली वक्त, तो वो लोग 40 से 45 लोग जितने भी थे उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों कार्रवाई नहीं की गई, उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ और उसमें कौन लिखता था, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दूसरा आरोप, तीसरा आरोप, जो जेई का पेपर आउट हुआ तो इसमें वो कौन अपराधी थे, वो क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों इसमें अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने पहले ही कह दिया पेपर आउट नहीं हुआ, उन्हें इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, क्यों उन्होंने एसओजी की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया। आप सोच लीजिए, ये चीजें सामने निकल के आ रही तो कहीं ना कहीं सवाल निशान पे लग रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात, फर्जी डिग्रियों के मामले में आज तक जांच क्यों नहीं करवाई, हमने शिकायत की लाइब्रेरियन में 44 से 90 हजार डिग्री हो जाती है तो उनको जांच क्यों नहीं करवाई। पीटीआई भर्ती में मामले सामने, लेफ्ट टेक्निकल रेडियोग्राफर में आए, हमने लिखित में भी शिकायत दी लेकिन आज तक इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों कार्रवाई नहीं की, ये भी सबसे संदेह का घेरा है और सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा अचानक पटवारी भर्ती स्थगित कर देना, आज बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि पटवारी के एग्जाम कब होंगे। तमाम जो पहलू है जो सामने आ रहे हैं, लगातार महिला सुपरवाइजर की जो पुरुषों की जो थी आंगनबाड़ी, अभी तक एक सूची जारी होना बाकी है, कई चीजें बाकी है, अभी लेब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर का आपको पता है कि अभी तक उसका परिणाम बाकी है, ईसीजी के दस्तावेज सत्यापन बाकी है, इसके अलावा पीटीआई की एक और सूची बाकी है, कई चीजें बाकी है, लेकिन अब लापरवाही से बेरोजगार आक्रोशित है और जिस प्रकार जो माहौल बिगड़ा है, बेरोजगारों में पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे, अविश्वास उत्पन्न हुआ है, तो हमने मांग की है बीएल जाटव को तुरंत बर्खास्त किया जाए। आज हमने उनके खिलाफ ऐलान कर दिया है, जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाए हमारा आंदोलन उनके खिलाफ चलेगा, उनको बर्खास्त तुरंत किया जाए क्योंकि हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। हमें यूपीएससी की तर्ज पर हमारी परीक्षा प्रणाली राजस्थान होनी चाहिए, चाहे वो आरपीएससी को, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की, चाहे अन्य संस्थाओं की, उसकी तर्ज पर हमारी भर्ती परीक्षाएं होनी चाहिए। क्या वहां शिकायत क्यों नहीं आती, वहां पेपर लीक, फर्जी डिग्री, वहां शिकायत क्यों नहीं, यहीं क्यों हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा और आज भी हमने निवेदन किया कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जब तक इनको बर्खास्त नहीं किया जाता हम लोग इनके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और इनके द्वारा आयोजित जितनी परीक्षा इनके समय है उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और फर्जी डिग्रियों की स्पेशल एसओजी से जांच होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इन लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सबके जनता के सामने आना चाहिए। इसलिए हमने बीएल जाटव की बर्खास्त की मांग की है और इनके खिलाफ एक बड़ा बयान छेड़ा है, जल्द से जल्द इनको बर्खास्त किया जाए, बेरोजगार अवसाद में है। आज हर भर्ती पे सवाल या निशान है, आज बेरोजगार कह रहा है मैं कैसे तैयारी करूं। इसके अलावा दोस्तों, ये तो उनका हो गया, एक संवाद के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया, अब एक चीज और बता रहा था दोस्तों, एक चीज निकल के सामने ही, हाँ इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें मैं बता दूं जो होने वाली है, जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक तो जो रीट शिक्षा भर्ती 2018 लेवल 2 की एक और सूची, आज ही निदेशक मोदी जी से हमारे प्रतिनिधिमंडल की शिक्षा संकुल में मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ, जैसे मैं बीकानेर पहुंचा और आपकी सूची जारी हो जाएगी क्योंकि क्योंकि सिग्नेचर इनको होना बाकी है, तो ये वहां जाएंगे, वो कह रहे हैं कि मैं जब भी फ्री होते हैं मैं बीकानेर जाते ही आपकी सूची जारी हो जाएगी। एक चीज जो निकल के आएगी, जिला आवंटन लेवल फर्स्ट के और सेकंड के, वो कह रहे दोनों के आवंटन, मेरी ये होगी दोनों के आवंटन साथ करें, लेवल फर्स्ट के भी तैयार है, लेवल टू के भी साथ करें, और इस बार वो चाह रहे जिला परिषदों को निर्देश दे कि वो ऐसा नहीं कि कोई 15 तारीख को करवा रही काउंसलिंग, कोई 20 को करवा रही, वो चाह रहे कि एक साथ और समय पर काउंसलिंग कराकर उनको ज्वाइनिंग दे। इस मामले से हमारी उनसे बात हुई शिक्षक संकुल में। इसके अलावा जो आचार संहिता का जो सवाल उठ रहा है कि आचार संहिता में कि हमारी परिणाम जारी होगा कि नहीं होगा,
मैंने ये सवाल उनके सामने रखा था, उन्होंने कहा कि परिणाम जारी होगा आचार संहिता अंकुश से। नियुक्ति प्रक्रिया में जरूर कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी दोस्तों परमिशन ले ली जाएगी। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं, परमिशन मिल जाएगी, लेकिन जहां भी चुनाव आएगी, कहां भी समस्या आएगी, आपका भाई आपके साथ है, पहले भी सही हो गया, आगे भी करेगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही है कि ये यहां से बीकानेर पहुंच जाएंगे। हमारे आईएएस अधिकारी सौरभ स्वामी जी बहुत अच्छे इंसान है और ऐसे आईएएस को मैं लाइक भी करता हूं, तो ऐसे व्यक्ति जल्दी पूछने के बाद आपको खुशखबरी देंगे, लेवल फर्स्ट और सेकंड का आपका जो सुबह से इंतजार कर रहे थे हमारा क्या होगा, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जैसे ही मैं बीकानेर पूछा आपकी सूची जारी हो जाएगी लेवल टू की। इसके अलावा जिला आवंटन दोनों हम आगे पीछे साथ ही जारी कर रहे हैं और वो आगे के निर्देश भी दे देंगे, ये उनके लिए हो गए दोस्तों। इसके अलावा जो क्योंकि ये अच्छी खबर है पहले मैं बता रहा हूं, इसके अलावा लंबी तमाम मुद्दों पे मैं चर्चा करूंगा। कर्ची प्रेक्षक भर्ती 2021, पहले 20 थी क्योंकि 21 आ गए तो अब 21 ही मानी जाएगी। इसके अलावा DLB की फायरमैन सेफ्टी ऑफिसर जयन और TRA की, ये इसी महीने में आपकी विज्ञप्तियां जारी होंगी। हमने एक महीने का अल्टीमेटम दिया था और अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द विज्ञप्तियां जारी होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको जल्द कुछ खबरें मिलेगी। जो इंतजार कर रहे थे कर्चे प्रेक्षक की कब हमारी विज्ञप्ति जारी होगी, या फायरमैन की कब होगी, या उसकी जयन की सेफ्टी ऑफिसर की, और ये कब होंगी, तो आप शायद एक दो दिन, दो चार दिन में आपको खुशखबरी मिल जाए, जल्दी आपकी विज्ञप्तियां जारी होंगी। ग्राम सेवक की भी जनवरी एंड या फरवरी में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ग्राम सेवक के लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं, हमने प्रयास किया, हमें जो आश्वासन मिला, जो हमारे लगातार संघर्ष हम कर रहे हैं, आपकी बात भी पूछी है। जहां तक है कि आप लोगों की, जो लोग ये मैसेज क्यों बता रहा हूं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम किस भर्ती की तैयारी करें, तो वो कृषि प्रेक्षक की तैयारी करें, वो फायरमैन की तैयारी करें, वो सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करें, वो DLB की जेईन की भर्ती की तैयारी करें, वो ग्राम सेवक की तैयारी करें, और वो TRA की तैयारी करें, वो अभी इन तैयारियों में जुट जाएं, जल्दी ही आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। मोटर वाहन उपनिरीक्षक की भी इसी महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, आप भी तैयारी जारी रखें। इसके अलावा दोस्तों जो पटवारी की परीक्षा तिथि, यानी कि अब पटवारी की जो परीक्षा तिथि है आपकी मार्च अप्रैल में हो सकती है, मई जून में अधीनस्थ बोर्ड की आपकी इसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम है, तो मार्च अप्रैल में आपकी एग्जाम हो सकती है। नहीं, मार्च अप्रैल में नहीं हुई तो शायद आपकी जून जुलाई में आपकी परीक्षा तिथि जा सकती है। इसके लिए भी हमने आज ही आपकी बात पूछी है, लोग परेशान हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि जारी की जाए, कभी भी हो लेकिन कम से कम वो उसको टारगेट मानकर तैयारी कर सके। पटवार की परीक्षा तिथि जारी हो, वन रक्षक वन पाल का उसका सिलेबस जारी हो, वो भी बहुत जल्द, एक कभी भी जल्द ही इस मामले में मीटिंग होकर जल्दी आपका सिलेबस भी जारी होगा। इसके अलावा परीक्षा तिथि जो जयीन की पेपर रद्द हुआ उसकी और पटवार की भी परीक्षा तिथि जल्दी जारी होगी। संबंध में अधिकारी से बात हुई, उनका कि जल्दी में मीटिंग करके हम जल्दी ही परीक्षा तिथि घोषित करें। कई लोगों को मुझे ज्ञापन मिले थे पटवार के लिए भी और जयीन के लिए भी दोस्तों। इसके अलावा जो मैं तमाम मामले पर चर्चा करता रहूंगा, लेकिन जो मुझे ज्ञापन मिले अलग अलग जगह से उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। इसमें हाँ दोस्तों, AN भर्ती वाले भी धरना दिया था इन्होंने, AN भर्ती वाले अभ्यर्थी भी, केवल AN भर्ती में केवल मंत्रियों का, जो कैबिनेट मंत्रियों का सर्कुलेशन बाकी था, उनका अनुमोदन बाकी था, उसके बाद राज्यपाल का एक दिन का काम है और एक दिन का कार्यवाग है, अधिसूचना जारी होते ही, और फिर कोर्ट में जो सुनवाई होगी और उस सुनवाई में आपका अधिसूचना वो कह देंगे हमने संशोधन कर दिया, उसके बाद आपका परिणाम जारी हो जाएगा। तो दोस्तों अब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, केवल कैबिनेट से अप्रूवल मिलना बाकी, अनुमोदन होना बाकी है, इसके बाद राज्यपाल से और फिर अधिसूचना जारी होने बाकी है। तो इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके जो अभ्यर्थी थे, कई लोग सवाल करते हैं, ट्वीट करते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो आपके साथी बहादुर हो और चाहे प्रदीप हो, इन लोगों को मेरे साथ, वो मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मेरे साथ उनका प्रतिनिधि मंडल गया था, उनका साथ गया था, सारी बात रखी, जहाँ फाइल अटकी हुई थी जयेश साहब के वास्ते फाइल निकलवाई, और धीरे धीरे हम पीछे पड़ रहे हैं कि ये सारी चीजें आपकी नहीं और भी बढ़ती है, प्रयास हर व्यक्ति के लिए करते हैं, लेकिन आपके अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे, मैं खुद वार्ता में गया था और उन्होंने जो स्थिति आपको बता दी होगी दोस्तों। जो मुझे ज्ञापन प्राप्त हुए मैं उनके बारे में भी बताना चाहूंगा, जो क्या क्या मुझे ज्ञापन, रविंद्र ज्ञापन देना, क्योंकि जो जहां जहां मैं पूछा करीब बहुत से ज्यादा ज्ञापन, ज्ञापनों के साथ साथ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, वास्तव में मैं ऐसा लगता है कि इस मान सम्मान को लौटाने के, जो आपने मुझे दिया इसके प्रति मैं बहुत कुछ करने के लिए तत्पर हूं, और एक दिन आप देखना सबके सामने वो चीज भी आ जाएगी। मैंने 9 साल तक हमेशा बेरोजगारों के लिए जान लुटाई, आगे के लिए संघर्ष करूंगा, जीवन की भी मुझे
सभी जगह इनके अभ्यर्थी मिले। और अब जो जो फरवरी में हम आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं, के साथ ये मांग रखी जा रही है। हमने प्लानिंग रणनीति बनाएंगे, विजयपाल जी, अशोक जी और किरण जी, इनकी जो मेन कमेटी के लोगों को हमने पूरी चीजें बता दी, दीपक जी भी है और उनको प्लानिंग और रणनीति बता दी है। तो इस बार जो होगा आरपार की लड़ाई होगी, ये ज्ञापन भी मुझे मिला। एक फार्मासिस्ट भर्ती के भी ज्ञापन मिला, 4105 पदों पर इसकी लिखित परीक्षा करवाई जाए, इसके भी ज्ञापन मुझे हर जगह मिले, हर जगह अभ्यर्थी मिले कि हमारी परीक्षा जो जिसको रद्द कर दिया गया लिखित परीक्षा हो, 4105 पदों पर इसका भी मुझे ज्ञापन मिला है। जो जो ज्ञापनों की मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, इन सब ज्ञापनों का मैं मेरे लेटर पेड पे पूरी मांग पत्र बनाकर आंदोलन में भी ये मांग शामिल होंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को मैं जल्दी सौंप दूंगा, या तो कल तक, क्योंकि इनको सबको मैं लेटर पेड पे टाइपिंग करवानी है, उसके बाद मैं कल या परसों तक इनको सौंप दूंगा। मांग है कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा फरवरी में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। टेक्निकल हेल्पर के लिए जो मेरे युवा साथी जो टेक्निकल हेल्पर का इंतजार कर रहे हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमने 1 महीने का समय दिया था, अब विभाग को कार्रवाई करनी है। हालांकि एक लेटर वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा कि सूचना ही दे, अब सूचना कितनी मांग लो, आपने जारी महीने में अपने टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी नहीं की, ANJN की आपने विज्ञप्ति जारी नहीं की, ऑफलाइन एग्जाम कराने के आदेश जारी नहीं किए, आपने आयुष्मान में छूट देने के आदेश जारी नहीं किए, आपने परीक्षा के अंदर राजस्थान में देने की मांग जो मांग पूरी नहीं की। इसके अलावा जो 2013 में जो टेक्निकल हेल्पर का जो पैटर्न था, वो पैटर्न लागू नहीं किया। तो हम लोग फरवरी में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, युवा वो अब से ही तैयारी में लग गए। और सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जो अब धौलपुर भरतपुर का संवाद है, आप लोग जिन दिन भर्तियों के अभ्यर्थियों के मैं नाम ले रहा हूँ ज्ञापन, वो वहाँ सब लोग मिले, क्योंकि एक मैसेज सरकार तक जाता है कि युवा जगह जगह घूमकर एक संवाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फरवरी में बड़ा कुछ होने वाला है। तो सभी साथी वहाँ मिले, विशेषकर टेक्निकल हेल्पर के मेरे वो साथी है, मैंने आपको विश्वास दिलाया था, आज फिर विश्वास दिला रहा हूँ, आप मुझे आप लोग है ना बिल्कुल चिंता मुक्त रहो, आपकी भर्ती आएगी, आपकी मांगे मानी जाएगी। और बस जनवरी विभाग और सरकार के लिए, फरवरी अपने लिए, तो फरवरी की आप तैयारी करिए, आपके साथ गलत नहीं होगा। हालांकि जो 21 दिसंबर को हमने जो बड़ा धरना दिया था, उसमें अन्य कोई कई मांगे थी, उसमें जो ऊर्जावा की ANJN में जो सामान्य ज्ञान जोड़ने का मामला था, उसकी मांग को सरकार ने, हमारी मांग को मान लिया है। उन अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं, जो अभ्यर्थी कह रहे थे ना कि भैया हमारे इस धरने से कुछ होगा, हुआ, आपके सामने परिणाम है, और जिन और लोगों की मांगे उनका भी होगा। अब मैं कह रहा हूँ, हम मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, उसका प्रतिफल आप लोगों को मिलेगा, लेकिन हमारी उस मांग को मान लिया गया। उन अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं, आप लगातार कोशिश करते, लगातार मेरे साथ भी जाते। उस दिन CMO में हम गए तो आपने कहा था भाई हमने ज्ञापन दे लिया, उन्होंने सुन भी लिया हमारा होगा नहीं, तो मैंने आपको कहा था 100% आपका काम होगा। उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री तक इनकी सारी मांगे पूछा रही है, आज ही पूछा रहे, और जल्द आपको इसका फायदा मिलेगा, जो आपके सामने परिणाम है बिजली विभाग के अभ्यर्थियों के लिए। नई स्कूल व्याख्या था भर्ती का भी मुझे ज्ञापन मिला दोस्तों, इसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती 24 दिसंबर 2019 मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी, अब इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, इस संबंध में मेरी बात हुई है। विशेषकर नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगी, इस संबंध में मेरी बात हुई अधिकारी से, उन्होंने ये कहा कि जैसे ही इसकी भर्ती प्रक्रिया समाप्त होती है 2018 स्कूल व्याख्याता की, उसके बाद हम इसकी विज्ञप्ति जारी कर देंगे, यानी कि इनकी ज्वाइनिंग समाप्त होते ही आप लोगों को यानी कि विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, यानी कि हम चाहते हैं, हम प्रयास है कि जनवरी फरवरी में आप लोगों की विज्ञप्ति जारी हो जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये प्रक्रिया पूरी होती है, हम इसकी विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो दोस्तों जो नई स्कूल व्याख्याता का इंतजार कर रहे हो, वो तैयारी में जुट जाए कि आपकी विज्ञप्ति जनवरी फरवरी में जारी हो जाएगी। इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन करके प्रमुखता के साथ इस मामले को हम साथ रखेंगे, आपकी भर्ती जल्द से जल्द आए, हम पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों इसके लिए। ऊर्जा विभाग की जलदाय विभाग के लिए, ऊर्जा विभाग की मैंने चर्चा करी, जलदाय विभाग में जो ये 1300 है जलदाय विभाग की, और इसमें अभी तक ये 5 लाख ITI बेरोजगार विद्यार्थी हैं, तो इनमें ऊर्जा विभाग के साथ साथ टेक्निकल हेल्पर ये भर्ती आए, तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। 1300 पद है, उसमें विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए पूरा एक ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ। एक ज्ञापन प्राप्त है रीट 2016 अंग्रेजी 826 पदों के लिए। दोस्तों कल मुलाकात हुई थी, कल मैं जो हमारी कुछ मांगे मानी गई थी, तो मैं धन्यवाद देने गया था, तो मैंने कल इसका जिक्र किया है कि अब जब 2018 आपने कर दिया, 16 में 18 मामला सम्मान था, यानी कि जो आप कह रहे थे
छह महीने वाला आप लगा रहे थे, कई चीजें आपने बताई थी, तो अब वैसे भी सरकार वहाँ केस नहीं जीत पाएगी, इस केस को इस एसएलपी को वापस लेकर उनको राहत प्रदान करे, जो 2016 रीट अंग्रेजी वालों को, मैंने इनकी बात रखी है कल, एक बार पहले भी शिक्षा मंत्री जी के सामने रखी, शिक्षा मंत्री जी ने सहमति जताई थी, अब इस मामले में केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, मैंने मजबूती से आपकी बात रख दी है, मुख्यमंत्री जी को इस मामले में निर्णय लेना है, जहां मुझे मौका मिलेगा या मेरी मुलाकात होगी तो आपकी मजबूती से बात रखूंगा, मुझे फतेहपुर में भी ये लोग मिले थे और ये लोग मुझे कहां का, ये लोग मुझे दो तीन जगह और मिले थे, इसमें लिखा नहीं, लेकिन मुझे फतेहपुर में वो व्यक्ति मुझे याद है वो मिले थे, और ये मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ था, तो 2016 वाले भी मैं मजबूती से आपकी बात रख रहा हूं, मैंने पहले क्या कहा था कि पहले 18 हो जाए, नहीं तो 18 और रुक जाएगी, अब 18 हो गई तो मैं आज से आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी मांग मजबूती से उठाऊंगा, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि मैं दोनों की मांग करूंगा 18 कैंसिल हो जाएगी, अब 18 का रास्ता खुल चुका है तो आपका भी रास्ता खुलेगा, सरकार को एसएलपी लेने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार एसएलपी वापस ले, आपको राहत प्रदान करे, और यदि 1% नहीं मिलती है तो आपकी 100% जीत होगी, लेकिन हम कोशिश ये है मेरी अब पूरी ताकत के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां मुझे मौका मिलेगा मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो मैं आपकी मजबूती से बात रखूंगा कि रीट 2016 826 की एसएलपी वापस लेकर उनको राहत प्रदान करे, क्योंकि वैसे ही मामला हल हो चुका है, सभी 2017 संस्कृत विभाग साइंस में 2016 सबके मामले एक समान जैसे ही है, तो इसलिए मैंने ये बात आपकी रखी है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं पूरा साथ दूंगा, मैंने उन अभ्यर्थियों को देखा था फतेहपुर में कि वो उनके एज हो चुके और एज तो उनका विश्वास देखा था मेरे प्रति कितना था, मैं उनको मेरे बड़े भाई हैं उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। एक जो धरना चल रहा शहीद स्मारक पर 14% वाला, क्योंकि 14% का मामला क्या है, 5000 पदों पर ये 2018 की भर्ती निकाली गई स्कूल व्याख्याता वाली, अब जो ईडब्ल्यूएस एमबीसी को आरक्षण दिया गया तो उस समय ये जो अधिसूचना जारी हुई थी कि अतिरिक्त से शेडो पोस्ट क्रिएट की जाएंगी एमबीसी और उसके लिए, लेकिन उन मूल पदों में से काटने से 700 पद कम हो गए, लगातार ये धरना दे रहे हैं, इसमें भी कार्य विभाग से परीक्षण करवा रहे हैं वो, अब मुझे समझ में नहीं आता, मैंने भी कम से कम 2 महीने पहले ज्ञापन दिया था परीक्षण करवा रहे, अभी फिर परीक्षण करवा रहे और इसमें शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, तो अब कहीं ना कहीं अब कल एजुकेशन सेक्रेटरी जी को भी मैंने आपका ज्ञापन दिया है, मैंने कल बात रखी, उन्होंने कहा इसका परीक्षण करवा रहे और शिक्षा मंत्री जी भी इस पर परीक्षण करवा रहे, तो कहीं ना कहीं इसका नतीजा निकलना चाहिए, लेकिन आपका धरना, मैं भी 2 बार आपके बीच में आया हूं, लेकिन आपको राहत मिलनी चाहिए क्योंकि शेडो पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए, आपको मूल पदों में से पद कम नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति है लाइब्रेरी ने भी आई उसमें भी मूल पदों में से कम किया गया, तो ये मूल पद कम नहीं करना चाहिए, 700 पोस्ट बढ़ानी चाहिए, आपके साथ मैंने पहले भी समर्थन दिया, आज मैं आपके साथ हूँ। पुलिस भर्ती 2018 का भी ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ, जोधपुर कई जगह से प्राप्त हुआ, उनके प्रतिनिधिमंडल के पहले वार्ता करवाई थी, उनके प्रतिनिधिमंडल को यह कहा गया था कि हम परीक्षा जो वहां से रिपोर्ट मंगाएंगे आपको बता दिया जाएगा, तो मैं 1-2 दिन में जब ये मांग पत्र देने जाऊंगा तो मैं वहां से पूछ कर आऊंगा कि रिपोर्ट में क्या आया, उन्होंने कहा था यदि विभाग चाहे निकालना तो हम स्वीकृति देंगे, और अभ्यर्थी जो जाके आए थे कि विभाग इसमें पॉजिटिव है, तो अब वहां जाने के बाद पता करके आप लोगों को मैं बताऊंगा, नरेंद्र और इसके जो साथी 1-2 लोग प्रकाश भी मेरे पास आया था और जोधपुर से, तो उनकी बात आगे। एक सूचना सहायक भर्ती ओझा जी ने मुझे ज्ञापन दिया था, ओझा जी आप सुन रहे होंगे, मैंने आपका ज्ञापन लिया था, मैंने ये कहा था कि मैं इस मामले में फोन करके आपसे बात करूंगा, मैं समझ चाहता हूँ बात नहीं कर पाया, थोड़ा 2 दिन से व्यस्त है, यहाँ आने के बाद भी कई बेरोजगार से मिला, कई अधिकारी से मैं मिल के आया, थोड़ा व्यस्त हो गया था, लेकिन मैं इसको आपने कहा था पढ़ना समझ में आ जाएगा, इसको मैं अब लाइव के बाद मैं पढ़ूंगा और शायद आपसे मैं फोन करके बात करूंगा, आपके नंबर होंगे इसमें और ये आपकी मांग मैं पूछा दूंगा। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहूंगा दोस्तों, अब रीट से तो पीछा छूट गया, अब नई स्कूल व्याख्याता हो चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो आरएस भर्ती हो अधीन स्कूल, इनके लिए हम पूरा प्रयास करें, आपके लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, आपका प्रतिनिधि मुझसे मिले, अब हम आपके लिए रणनीति बना रहे हैं, आपके लिए कैसे क्या करना है वो शिव और उनके साथी है जो मुझसे आके कभी मिल ले, अब रणनीति आपके लिए बना रहे, जल्दी आपके लिए भी कुछ करेंगे जिससे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। एक प्रकाश और उनके साथी मुझे सिक्कर का भी है और अजमेरी मिले, छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2016 159 पदों पर अधीनस्थ बोर्ड ने इसकी सूची जारी कर दी और विभाग कह रहा हमें आवश्यकता नहीं है, सीएमओ में इसका लेटर हमने विभाग को भेजा, वहाँ अभ्यर्थी का फोन आया था, प्रकाश कह रहा था सुनिए कह दिया हमें आवश्यकता नहीं है, फिर निकाली क्यों, ये मामला भी है, ये भी मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ। सेकंड ग्रेड 2018 की वेटिंग निकालने वाला मामला भी है, ये भी मुझे ज्ञापन हुआ था 2016 की वेटिंग वाला, इन दोनों अभ्यर्थियों की एक एक प्रतिनिधिमंडल की वार्ता मैंने 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से करवाई थी, मैं इनके साथ नहीं जा पाया था कि बीएसटी सेवा लाठीचार्ज प्रकरण हो गया था, तो इनके अभ्यर्थियों की मैंने मीटिंग करवाई थी, उसके बाद इनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जितनी मदद होगी इनकी मैं करूंगा। 2018 वेटिंग वाले आएगा। प्रक्रियाधीन लैब टेक्नीशियन भर्ती पदों की संख्या बढ़ाकर 1685 करने के लिए, ये लैब टेक्नीशियन पदों की बढ़ाने का ज्ञापन भी मुझे मिला है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में पीजीडीसीए किए हुए अभ्यर्थियों को शामिल करने बाबत ये मुझे ज्ञापन मिला है। रीट 2018 विज्ञप्ति में सेक्शन योग्यता को NIOS द्वारा आयोजित DLA डिग्री को शामिल करने बाबत ये ज्ञापन भी मुझे जोधपुर से मिला है।
राजीव गांधी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षार्थी को नियमित करने वाले, ये ज्ञापन भी मुझे बाड़मेर से मिला है। ये पैरा संविदा कर्मी उनका ज्ञापन मुझे मिला है। पशुधन सहायक भर्ती की नई भर्तियां निकालने की, नई भर्ती निकालने की भी मुझे ज्ञापन जोधपुर से मिला था, एक जगह से और मिला था कि इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द निकाल, 2018 के बाद कोई वो भर्ती नहीं आई है, तो इसकी भी मांग हम रखेंगे, हमारे मांग पत्र में शामिल होगा और आपकी मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊंगा और जिससे आपको राहत मिले। और इसमें शहर वाले 21 पदों का भी मामला आया था कि उसमें शहर की किस सीटें खाली उनको दी जाए, ये मांग पहुँचा दूंगा। एक तरह से शिक्षक भर्ती 2012 नमोनारायण शर्मा बनाम राजस्थान सरकार, इसमें एक तो जो तामिल नहीं हो पा रहा, इस संबंध में मैं कल पंचायत राज विभाग भी जाकर कहता कि इसको तामिल जल्द से जल्द करवाए, जो अब 10 या 11 तारीख जनवरी में सुनवाई बता रहे दोस्तों। मेरे हिसाब से दो निर्णय मैंने पहले बताया था, या तो याचिकाओं को लाभ हो सकता है या हो सकता है एक और जो रिक्त पद है उन पर सूची जारी की जाए, लेकिन इसमें बेरोजगार अभ्यर्थी की जीत होगी। मेरे पास इनके अभ्यर्थी पूछे थे, उन्होंने मुझे दिल्ली जाने के लिए कहा था, तो मैं टाइम निकाल के मैं 9-10 तारीख यानी कि कोशिश करूंगा, शायद कल भी मैं बता दूंगा इनके अभ्यर्थियों से, मैं उनके साथ दिल्ली जाकर जितनी मदद होगी मैं इन लोगों की मदद करूंगा। ये जो जो ज्ञापन मिल रहे हैं, ये हर ये जो डबल ज्ञापन थे मैंने कम कर दिए, सिंगल सिंगल ज्ञापन लेके आऊँ, मुझे 150 से ज्यादा, 100 से 150 के करीब मुझे ज्ञापन मिले थे, लेकिन कई डबल थे, कई ज्ञापन मेरी गाड़ी में रहेंगे, लेकिन जितने ज्ञापन है मैं इनको मैं मांग पत्र में लिख के सीएम साहब तक पूछाने की कृपा कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों रहे। एक ज्ञापन मिला था मुझे, ये मिला था जालौर से मिला था, डीएलएड परीक्षा परिणाम एनएससी उठाने बाबत, ये भी मिला था एनसी उठाने बाबत, ये यहाँ से मुझे जालौर से मिला था। इसके अलावा मुझे ज्ञापन मिला पंचायत राज एलटीसी भर्ती 2013 के 10-29 पदों वाला मिला, कैलेंडर जारी हो। इसके अलावा जेएनयू बीएड सेकेंडरी की परीक्षा हो, पटवार सीधी भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित हो, ग्राम सेवक आरएस 2021 का विज्ञापन जारी हो, कई मांगों के लिए मुझे ज्ञापन मिला था, ये भी मैं उन तक पहुंचाऊंगा। रीट प्रमाण पत्र 2018 की वैधता वाले भी ज्ञापन मुझे कई जगह मिले, कई जगह मिले, लेकिन दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं नियमों में होगा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं, मुझे मैसेज कह रहा है बीएड वाले अभ्यर्थी है कि हमारे बहुत अच्छे परसेंटेज बनी थी, इन लोगों के साथ धोखा हुआ था, किस वजह से वो बीए की एडिशनल डिग्री लोग फर्जी लेके आ गए थे और बीए में इनके कम थे, रीट में इनके 120-21 नंबर थे, ये बाहर हो गए थे। आज इनकी पीड़ा है कि इतने नंबर ला के हम घर बैठे, कई लोग मुझे मिले जालौर से भी एक लगातार मुझे मैसेज करते रहते, वो मेरे साथ भी रात को भी थे। दोस्त आप समझ गए कि मैं आपकी चर्चा कर रहा हूँ, आप कह रहे थे कि मैं ओवरेज हो चुका हूँ, तो मैं जहाँ तक नियमों में होगा, यदि नियमों में नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपकी बात जरूर पूछा दूंगा। एक मुझे मिला है राजस्थान परिषद से पैरा टीचर शिक्षा कर्मी संघ ब्लॉक सांचौर, ये राजीव गांधी पाठशाला कार्य शिक्षक, ये पैरा टीचर नियमितीकरण का ज्ञापन मुझे मिला है। स्वास्थ्य 2013 में क्लिनिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट 4309 पदों के मुझे ज्ञापन मिला है। मैं बस थोड़ी देर में खत्म हो रहा हूँ, और विषय पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन जो अभ्यर्थियों को मुझे ज्ञापन मिले कि ये सारे कागज मेरे पास सुरक्षित है, इनके ज्ञापन सुरक्षित है, मेरे रिलेटिव पर लिखकर मैं इनको माननीय मुख्यमंत्री को पूछाऊंगा। ग्राम पंचायत सहायकों को नियमितीकरण, जो विद्यार्थी मित्र फिर ग्राम पंचायत सहायक मिले 6,000 रुपये में क्या करें यार, 6,000 रुपये में किसका लालन पोषण हो सकता है, परिवार चल सकता है, नहीं इनका स्थायीकरण हुआ, नहीं कुछ हुआ, नहीं इनकी वेतन बढ़ा, इनका भी मुझे ज्ञापन मिला है सांचौर जालौर से। देखो एक स्थिति, एक चीज तो है, पहले आरएस भर्ती फिर फर्स्ट गेट फिर सेकंड गेट फिर थर्ड गेट, ऐसे भर्तियां निकालनी चाहिए, उल्टी निकालते कोई सेकंड थर्ड गेट सोच के सेकंड गेट में जाता है, सेकंड गेट फर्स्ट गेट फिर आरएस में, ये पोस्टें बहुत खराब हो रही है, ज्ञापन में मुझे मिला है। एक मामला आया है परम शिक्षा विभाग का, इन्होंने बताया कि कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा में तकनीक आने उनको कुछ गलत सूचना सबमिट हो गई थी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, तो इनके क्या है कह रहे हैं मेरे जैसे सहित कई लोग थे, 59 लोग थे और सबको बख्श दिया, वो राजनीतिक नेताओं के कहलवाते और हम दो लोगों को मारा जा रहा है, बोले हमें फंसाया जा रहा है, तो मेरा भी ये निवेदन है सजा दो तो सबको दो, ये कह रहे हैं कि सजा दो तो हमें भी दो लेने के लिए, लेकिन उनको बख्श कर हर हमें सजा दी जा रही है, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। एक बाड़मेर से ज्ञापन भी मिला कि वहाँ बाड़मेर में जो स्कूल व्याख्याता में कई सेंटर पे जो घपला होने की, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ के किसी भी जिले में लोकल अभ्यर्थियों को जिलों में परीक्षा सेंटर नहीं देना चाहिए, विकलांग और दिव्यांग उनको छोड़कर
उनको लोकल को दूसरे जिले में परीक्षा सेंटर देना चाहिए जिसे फर्जीवाड़ा नहीं हो, ये मांग भी मुझे बाड़मेर से मिली है क्योंकि वहाँ गड़बड़ हुई बताई बाड़मेर में परीक्षा केंद्रों पे, तो बोले कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाड़मेर के लोकल अभ्यर्थी कह रहे थे बोले हम बाहर एग्जाम देने चले जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मांग भी उन्होंने कहा, हम आपकी मांग भी पूछा दूंगा। एक विद्युत विभाग की घोषणा की गई भर्ती जो डिप्लोमा वाला है जेएनयू में 50 पदों का अलाउ करने, ये ज्ञापन भी मिला मुझे। हाल ही में नवसर्जित सेकंड ग्रेड में 1662 पदों पर सेकंड ग्रेड भर्ती दो वेटिंग वालों को ज्वाइनिंग दिलाने बाबत ये ज्ञापन मिला है।